कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी टिप्स विद लक्ष्मी। गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो चिकन की कुर्तियों पर है। चिकन की कुर्ती मोस्टली सभी लड़कियों को पसंद होगी। आई थिंक 100 में से 90% लड़कियों को चिकन की कुर्ती बहुत पसंद होगी। मुझे भी बहुत पसंद है चिकन की कुर्ती। मैं लखनऊ की हूँ तो नो डाउट मुझे चिकन बहुत पसंद है। मैं चिकन खाती नहीं हूँ बट मैं चिकन पहनती ज़रूर हूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये मेरी सी ग्रीन कलर की कुर्ती है, आप देख सकते हो। सी ग्रीन कलर की कुर्ती है ये, स्ट्रेट कुर्ती है बिल्कुल। और इस पर जो वर्क किया हुआ है वो सी ग्रीन और ऑरेंज कलर के थ्रेड से किया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं, दो तरह के थ्रेड होते हैं। एक तो कॉटन का थ्रेड यूज़ किया जाता है इसमें और एक रेशम का थ्रेड यूज़ किया जाता है। ये जो कुर्ती है ये कॉटन के थ्रेड की है। अगर मैं आपको पास से दिखा दूं तो ये देखिए कॉटन का थ्रेड है, अगर आप देख पा रहे हो ऐसे है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है और ये बहुत ही सुंदर कुर्ती है। इसको मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हो इसमें गले पे ऐसे इन्होंने गले वाला डिज़ाइन दे रखा और पूरी कुर्ती पे सी ग्रीन कलर से ही गोल गोल से इन्होंने फ्लावर बना रखे हैं और आगे इन्होंने बहुत बड़े बड़े से फ्लावर बना रखे हैं और पीछे उसी की तरह उन्होंने छोटे छोटे से फ्लावर बना रखे हैं। पीछे भी ऑरेंज कलर से एक इन्होंने पूरी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है गले के पास की। ये पूरे गले से नेक तक की आती है। स्लीव पर भी ऐसे ही जो उन्होंने बैक में डिज़ाइन दिया है स्लीव पर ऐसे बनाकर और फिर उन्होंने छोटे छोटे फ्लावर से बनाए हैं और स्लीव पर आगे की तरफ ये काम है। गाइस, ये कुर्ती बहुत सुंदर है। इन्होंने साइड में भी ऑरेंज कलर से दिया हुआ है, ऑरेंज कलर के थ्रेड से ऐसा चारों तरफ, मतलब दोनों साइड ऐसे ही काम है। ये कुर्ती गाइस मैंने ली थी आई थिंक 800 रुपीज़ की ये कुर्ती थी। और इसका जो फैब्रिक है वो शिफॉन है, ये वो जॉर्जेट नहीं है, ये शिफॉन है। तो ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है और मुझे ऐसा लगता है, मैं वैसे इसको ऑरेंज कलर की लेगिंग पर वियर करती हूँ तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉटन की कुर्ती चाहे लाइट हो या डार्क हो उसको अगर हम वाइट पर वियर करते हैं तो वो ज़्यादा, वाइट पर पेयर करते हैं मतलब लेगिंग वगैरह के साथ तो वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बट मैं इसको ऑरेंज कलर की लेगिंग के साथ पहनती हूँ। नेक्स्ट कुर्ती है रॉयल ब्लू कलर की। रॉयल ब्लू कलर तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है। ये देखिए रॉयल ब्लू कलर है और इस पे रॉयल ब्लू कलर से ही थ्रेड से ही काम है। ये भी कॉटन का थ्रेड है। ये देखिए इन्होंने गले पर ऐसे काम किया हुआ है, इसमें ऐसे क्लियर अगर समझ में आ रहा हो, ऐसे काम किया और पूरी कुर्ती पे छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं आगे पीछे दोनों साइड पर। पीछे भी ऐसे छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं। सिंपल सी कुर्ती है और बिल्कुल सिंपल सी है, स्लीव पर भी बिल्कुल सिंपल से कुर्ती का डिज़ाइन है। तो और इसका फैब्रिक जॉर्जेट है, इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है, लाइनन पहनना पड़ेगा आपको इसके के साथ। नेक्स्ट कुर्ती, ये एक मैंने कॉटन की कुर्ती ली हुई है। ये देखिए ये कॉटन की कुर्ती है, ये है ये बेसिकली पिंक कलर की कुर्ती है। पिंक क्या, गाजरी कलर जो होता है उसकी कुर्ती है ये। और इस पर पर्पल और ग्रीन कलर से काम बना हुआ है। ये देखिए ऐसे, इस पर भी ये बहुत मतलब सिंपल सी कुर्ती है। ऐसे करके इन्होंने छोटे छोटे से फूल पूरी कुर्ती में दिए हुए हैं, सिर्फ गले पर ऐसा डिज़ाइन है। पीछे एक इन्होंने ऐसे एक कैरी बना हुआ, फ्लावर बना हुआ है और पूरी कुर्ती प्लेन है पीछे की। ये कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन का फैब्रिक गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है। इसको जो मैं वियर करती हूँ वो मैं ग्रीन कलर की पटियाला शलवार के साथ दिया करती हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट कुर्ती है गाइस, ये है रेड कलर की कुर्ती।
ये देखिए ये रेड कलर की क्या कुर्ती है, इस पर इन्होंने वाइट कलर से पूरा काम किया हुआ है, और वाइट मतलब एकदम क्लीन चिकन का काम बना हुआ है इनका पूरा, आप देख पा रहे हो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन काम है, कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कितना बारीक काम है और कितना क्लीन काम है ये देखिए। इस पे स्लीव पर इन्होंने बस पूरी स्लीव पर एक ये पैच बना रखा है, और इस तरह से आगे एक ये डिज़ाइन दिया है, दोनों स्लीव पर ऐसी है। पीछे के साइड जो है एक पैच है, और पूरा पीछे जो है वो और कोई डिज़ाइन नहीं है। कुर्ती आगे के साइड इन्होंने, नीचे के साइड जो इन्होंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है, ये देखिए ऐसे करके इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है। ये देखिए आप देख पा रहे हैं पूरी कुर्ती में ऐसे डिज़ाइन बना रखा है, लंबी लंबी लाइन बना रखी है। तो ये कुर्ती गाइस बहुत ही सुंदर कुर्ती है, इसको मैं वाइट कलर के चिकन के ही शरारे के साथ पहनती हूँ, मैं आपको शरारा भी दिखाऊंगी। नेक्स्ट कुर्ती है ये वाइट कलर की, वाइट कलर की अनारकली है, ये देखिए ये वाइट कलर की अनारकली है जो ये ऐसे दिखती है। इस पे वाइट से वाइट पे मतलब वाइट फैब्रिक पर वाइट, ये जॉर्जेट है, जॉर्जेट पे इन्होंने वाइट कॉटन का ही थ्रेड है, कॉटन के थ्रेड से काम किया है। इस पे इन्होंने स्लीव पर भी पूरा ऐसे काम किया है, ऐसे किया है, और ये देखिए यहाँ पर ऐसा वर्क है, इसमें भी इन्होंने काफ़ी चौड़ा सा यहाँ पर दे रखा है। ये देखिए पूरी स्लीव दोनों साइड की ऐसी हैं, और पूरी कुर्ती पर ऐसे लंबी लंबी इन्होंने पूरा चिकन का काम कर रखा है, ऐसे पूरा लंबा लंबा काम है। नीचे के साइड जो है इन्होंने जो लंबे लंबे काम पे नीचे कैरी बनाए हैं ऐसे बड़े बड़े से, ठीक है, पूरी कुर्ती पर ऐसे है एक लाइन मतलब एक इन्होंने चौड़ा सा ऐसे बॉर्डर दिया है, जो कली बनाई है उस पर ये ऐसे काम दिया, और बीच बीच में ऐसे पूरी लाइन बना बना कर वर्क की, और नीचे कैरी किया हुआ है। इस पे भी मुझे कॉटन की लाइनिंग पहननी पड़ती है, इसको मैंने अभी तक पहना नहीं है, बट मैंने इसको सोचा है ब्लैक कलर के प्लाजो के साथ वेयर करने के लिए, तो इसको मैं ब्लैक कलर के साथ पहनूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कुर्ती है ये भी अनारकली है, ये अनारकली कुर्ती येलो कलर की है, इस पे भी बहुत अच्छा काम है। इन्होंने पिंक और जो मेहंदी कलर का ग्रीन होता है उस ग्रीन से इन्होंने काम किया हुआ है, ऊपर इन्होंने पिंक कलर का ऐसे करके जो ऊपर के साइड आता है ना वो इन्होंने यहाँ पर कपड़ा लगाया हुआ है जॉर्जेट का अंदर के साइड, और उस पर भी इन्होंने छोटे छोटे ग्रीन कलर से फ्लावर बनाए हुए हैं, ठीक है। फिर नीचे के साइड जो है ये ऐसे करके ग्रीन कलर से ऐसे से पूरी लाइन बनी हुई है, फिर नीचे पिंक की है, पिंक के फ्लावर बने हैं, फिर नीचे इन्होंने ग्रीन से बनाया है, फिर नीचे इन्होंने पिंक से बनाया है, मतलब इन्होंने ऐसे बनाया है ग्रीन का थ्रेड है, फिर पिंक का थ्रेड है, फिर ग्रीन का है, फिर पिंक का है, इस तरह से। ये देखिए अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए ग्रीन पिंक फिर ग्रीन फिर नीचे पिंक का, इस तरह से कैरी बनाया हुआ है। ये भी कलीदार तो नहीं कहेंगे इसको, कलीदार ये बेसिकली ए शेप में है कुर्ती, और ये आगे पीछे सेम डिज़ाइन इन्होंने बनाया है। स्लीव पर इन्होंने छोटे छोटे से फूल बनाए हुए हैं, छोटे छोटे से फूल हैं, और यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन बनाया हुआ है। साथ में इन्होंने यहाँ पे पाइपिंग भी लगाई है पिंक कलर की, क्योंकि ऊपर इन्होंने पिंक का काम दिया हुआ है, और ये जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, ये भी पहनने में बहुत अच्छा लगता है, इसको मैं पिंक लेगिंग के साथ लेती हूँ, पेयर करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना शरारा, ये शरारा मेरा वाइट कलर का है, ऊपर से तो प्लेन है, ये देखो ऊपर से प्लेन है, इसको ये ऐसे शेप में आया है, नीचे का ये जो शेप है ये ऐसे है पूरा, और इन्होंने नीचे भी वाइट कलर से ये देखिए ऐसे पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये देखिए ऐसे ये डिज़ाइन है, बीच में इन्होंने जो कली लगाई है बीच में
कली पर भी इन्होंने पत्ती का डिज़ाइन दिया हुआ है, फिर ऐसे करके डिज़ाइन दिया हुआ है और पत्ती का डिज़ाइन है, ऊपर प्लेन है। ये मोस्टली फ्री साइज़ मिलते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें तो कोई साइज़ आता नहीं है, फ्री साइज़ ही रहता है क्योंकि मैं फ्री साइज़ में ही लेकर आई हूँ। और ये जॉर्जेट फैब्रिक है, अंदर इन्होंने लाइनन लगा कर दिया हुआ है, तो इसमें लाइनन वगैरह कुछ भी नहीं लगवाना है। तो ये जो मैंने चिकन की कुर्ती परचेज़ की, ये बेसिकली मैंने स्टोर से जाकर पसंद करके मैं ये लाई हूँ। और गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मियों में तो चिकन बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में, और थोड़ा सा डिसेंट भी लगता है पहनने में, कंफर्टेबल रहता है क्योंकि गर्मियाँ रहती हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल हम पहन नहीं सकते हैं, मैं तो नहीं पहन सकती हूँ, इसलिए मुझे चिकन ज़्यादा पसंद आता है। तो ये था गाइस मेरा आज का वीडियो, आई होप अब मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी ये कुर्ती पसंद आई है तो इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, इसका जो भी इस कुर्ती के रिगार्डिंग जो भी मैं वीडियो था वो मैं बना चुकी हूँ, वो मैं आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और गाइस थैंक यू सो मच, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए घर पे रहिए, थैंक यू सो मच, बाय।